नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रदीप सर में। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और हमने स्टार्ट कर रखे हैं चैप्टर्स, जितने भी अर्थमेटिक जो भी आना है हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं। अब अर्थमेटिक हमने स्टार्ट कर रखा है, इसके बाद में हम एडवांस भी करेंगे, तो सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मुझे 1000 रुपये पर दो वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना और सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, तो डिफरेंस क्या रहेगा ये देखेंगे। अगर दर कितनी है भाई, 10% है। कितनी है? 10%, ठीक है। तो डिफरेंस जो आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल सी बात करूं मैं तो, ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है। एक साल में जो आपका ब्याज बना वो उस धनराशि में जोड़ दिया जाता है, और दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो क्या होगा, उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा और उस धनराशि पर तो पहले से भी लग रहा था। और साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में जितने वर्ष के लिए आपने कोई भी धनराशि ली है उस पर सीधा सिर्फ धनराशि पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, ठीक है। तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकालना चाहूँ, चक्रवर्ती ब्याज निकालना चाहूँ दो वर्षों का, तो पहले वर्ष क्या रहेगा भाई, इस धनराशि पर ब्याज लगेगा कितना, 10%। कितना लगेगा? 10%। तो इसका 10% निकालोगे कितना आएगा भाई, 100 आएगा, ठीक है। 1000 का 10% निकालते हो तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। और दूसरे साल भाई, तो 10% तो यहाँ पर इस धनराशि पर तो लगना ही है, तो 100 रुपये होगा, लेकिन इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा कितना, 10%, ठीक है। तो इसका 10% कितना होगा, तो इसका 10% 10 हुआ, तो टोटल जो आपका CI हुआ वो कितना आएगा, 100, 100, 200 और 10, 210 आया। और अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो क्या होगा, दो वर्षों के लिए 1000 रुपये पर एक वर्ष में कितना लग रहा है अभी, 10%, तो दो वर्ष में कितना हो जाएगा टोटल, 20% हो जाएगा। तो 1000 का 20% कितना होगा अभी, तो 200 रुपये। यानी यहाँ पर जो रकम आ रही है, यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो कितना है, 200 है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, ये ब्याज पर जो ब्याज लग रहा है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये जो ऐड हो रहा है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, बाकी आपका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। यानी दूसरे साल जो ब्याज लगा है ना बच्चे, वो 1000 रुपये इस पर और 100 रुपये इस पर, 1100 रुपये पर लगा है, ठीक है। और 1100 का 10% करते हो तो कितना आता है, 110 आता है, तो 110 दूसरे वर्ष ब्याज लगा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस बेसिक को समझ गए होंगे, हम इसी तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे। और ये बात याद रखना कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है वो मल्टीपल में बढ़ता है, ठीक है, मल्टीपल में बढ़ता है, और वहाँ पर एक साथ चलता है। वहाँ पर अगर 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा था तो आगे 10 वर्ष में 4 गुना होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ठीक है। और जो हम डिटेल में चैप्टर करेंगे वो कहाँ से करेंगे और कब करेंगे बच्चे, अभी टाइम नहीं है। ये चैप्टर हम बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे जब NTPC की हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक इसके बाद, क्लैरिकल के बाद में NTPC रेलवे की तैयारी स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर मैथ बहुत अच्छे से करवाएंगे। अगर आपको डेमो देखना है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जाकर के देख सकते हैं, 10 से 11 क्लास NTPC के लिए हमने वहाँ पर डाली थी, और HSSC के बच्चों को वहाँ से 3 से 4 क्लास देखनी है शुरुआत वाली, बाकी नहीं देखनी है। और NTPC के लिए तो सारा इम्पोर्टेंट अभी वो आप कर सकते हो। तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्ज़ाम में वो करते हैं अभी। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन आया था अकाउंटेंट के पेपर में कि जी आपको CI क्या होगा अगर 2500 रुपये पर 5% दर से दो वर्ष का CI बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो आप क्या करोगे, 5% निकालोगे भाई। इसका 5% कितना होगा, तो 125। इसका 5% यहाँ निकालोगे तो कितना होगा दूसरे वर्ष में, तो ये भी 125, ठीक है भाई, कितना होगा, 125। लेकिन इसे 125 पर भी ब्याज लगेगा भाई, कितना, 5%।
तो 25 पंजे 125 का 5% यानी 25 पंजे 625 बटे में 6.25, ठीक है। टोटल आपको सीआई बताना है कितना होगा, तो 125 125 250 और 256.25, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पर हम देखें कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो सिंपल आपका ये है भाई। अगर डिफरेंस आपको पूछ रखा हो किसी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। सभी चीज़ें भी क्वेश्चन के अंदर आपकी कवर करने की कोशिश करूँगा, बच्चे समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर यही पूछा होता कि जी सी आई माइनस एस आई क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, तो ये कितना आ जाता, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये पूरा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कितना आ जाता, 6.25 आ जाता, ठीक है। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और जितने टाइप के अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं वही हम कर रहे हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 4849 और 4944 रुपये है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। किसी निश्चित धनराशि पर, कोई धनराशि थी भाई, उस पर साधारण ब्याज 4800 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज 4944 रुपये था, ठीक है। तो आपको पता है कि जी 2 वर्ष का था, तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा, साधारण ब्याज 1 वर्ष की बात करूं तो कितना रहा होगा, 2400 रहा होगा, इसका आधा हो जाएगा 1 वर्ष का, और साधारण ब्याज 2400 रहा होगा, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ जी कि ये 2400 आया होगा यहाँ पर और ये भी यहाँ पर 2400 आया होगा, तो यहाँ कितना आया होगा भाई, दूसरे वर्ष जो ब्याज पे ब्याज लगा वो कितना आया होगा, तो ये तो 4800 हुआ ना, यहाँ पर जो लिखते हैं वो क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज 4800, ये 4800 हो गया, बचा कितना भाई, तो 4800 इसमें से माइनस कर दें तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 144, ठीक है। इसका 1 वर्ष का निकाला है हमने, 1 वर्ष का, तो वो कितना है, 2400, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जो 144 यहाँ से ज़्यादा आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, वो कहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा, यानी इसके ऊपर ब्याज लगा वो कितना लगा, 144 रुपये। तो अगर हमें दर चाहिए, अगर हमें क्या चाहिए, दर चाहिए, रेट चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा कि जी 2400 रुपये का कितना प्रतिशत रहा होगा कि 144 रुपये ब्याज लगा हमें, ठीक है। तो वो दर आ जाएगी यहाँ से, तो 20 से 20 और 24 छिके भाई 144। तो हमसे पूछा क्या था कि जी ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें, तो 6%। अगर हमसे पूछा होता ये धनराशि क्या होगी, तो हम क्या करते, ब्याज की दर आपके पास आ गई है तो यहाँ पर भी 6% लगा होगा भाई, यहाँ पर भी 6% लगा होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई धनराशि थी, उसका 6% 2400 आया है यहाँ पर, तो यानी किसका 6% 2400 होगा भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 पर कटेगा, ऊपर आएगा 400, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 40,000। तो धनराशि क्या रही होगी भाई, 40,000 रही होगी, और धनराशि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का ब्याज कितना है, 2400, तो इसी तरह से करोगे तो वो साधारण ब्याज से भी वही 40,000 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि कैसे करना है। 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपये कितने समय में, 1000 रुपये कितने समय में, कितने समय में 1331 हो जाएंगे, 1331 हो जाएंगे। 10% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है आपको, और मैंने कहा था कि जी मल्टीपल में बढ़ता है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। 10% का मतलब क्या है कि 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज बन रहा है, यानी पहले वर्ष में 10 से 11 हुआ, ठीक है। इसी तरह से मल्टीपल में दूसरे वर्ष में भी 10 से 11 होगा, तीसरे वर्ष में भी 10 से 11 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें है जी ये पता है कि ये मूलधन था यहाँ पर
और ये भी क्या है, मूलधन है, ये भी क्या है, मूलधन है भाई, ठीक है। तो इसको क्या बनाना है, हजार बनाना है। कैसे बना सकता हूँ मल्टीपल में, तो 10^3 लिखूंगा, और ये क्या होता है 11^3 कितना हो जाता है 1331। तो यहाँ जो आता है वो क्या होता है, वो समय होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10 से 11 हुआ पहले साल में, 10 से 11 हुआ दूसरे साल में, 10 से 11 हुआ तीसरे साल में, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1000, इसका किया तो 1331, ठीक है। तो दोनों कितने वर्ष लगे, ये पहला वर्ष था, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 वर्ष में। अगर 2 वर्ष ही लेते तो यहाँ पर 100 बनता, यहाँ पर 121 बनता, तो हमारा आंसर नहीं आता। तो 3 वर्ष लगे होंगे किसमें, इन दोनों में। तो आप क्या करोगे, इसका 10% है, तो यहाँ पर 10 से 11 लाने के लिए इसका 3/3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3/3 ऐसे भी कर सकते हो, तो 10 से 11 आया, यानी 1 रुपये का ब्याज किस पर, 10 पर, तो 10% दर थे, ठीक है। किसी भी तरह से कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखो, एक व्यक्ति ने एक बैंक में चक्रवर्ती ब्याज पर एक निश्चित धनराशि जमा की थी। धनराशि 3 वर्ष में 900 रुपये और 4 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर आपको बतानी। भाई मैं ये कह रहा था कि जी 3 वर्ष में ये 900 रुपये हो गई, तीसरे वर्ष कितनी थी 900 रुपये, यानी धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 900 रुपये हो गई, यानी ब्याज पे ब्याज लगता आया और 900 हो गई। और 4 वर्ष में कितनी हुई भाई, तो 1000 रुपये हो गई, कितनी हो गई 1000, यानी इस पूरे 900 के ऊपर, यानी 3 वर्ष में जितनी राशि थी उसके ऊपर ब्याज लगा होगा, और चौथे वर्ष में क्या हुआ, ये 1000 रुपये होगी। तो इस साल में ब्याज कितना लगा भाई, आपको क्या बताना है, रेट बताना है, ब्याज की दर बतानी है। तो ब्याज कितना लगा होगा, तो ब्याज लगा होगा जी 100 रुपये, किस पर, तो अब तक जो धनराशि थी उस पूरी धनराशि पे ही लगता है, यहाँ पर तो ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो 3 वर्ष में 900 ही है, तो पूरे 900 ऊपर लगेगा, और परसेंट निकालने के लिए तो गुना में 100, दर निकालनी है ना तो गुना में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ये कितना आएगा 100/9, और 9 एकम भाई 9 11 से ही 1/9% होता है। और ऑप्शन आपको जो भी दिखे आप देख लेना, अगर 100/9% दे रखा है तो ये लगा सकते हो, नहीं तो 11 से 1/9% आप लगा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस टाइप के CI और SI के, भाई पूरे टाइप कवर नहीं करवा रहा, आपके प्रीवियस ईयर में जितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे टाइप करवा रहा हूँ मैं। डिटेल में इन चैप्टर्स को हम फिर से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि 3 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से, 3 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना भाई 1261 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। कितना है चक्रवर्ती ब्याज 1261 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करें। आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि जी आपको 20% दे रखी है, 5% दे रखी है, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20 होती है, यानी 20 से क्या हुआ 21 हुआ, ठीक है, पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष में कितना हुआ 20 से फिर 21 हुआ, तीसरे वर्ष में कितना हुआ 20 से फिर 21 हुआ। तो ये क्या है, ये आपका होता है मूलधन, गुना करोगे कितना 8000, गुना करोगे कितना आएगा 8000, आपसे पूछा मूलधन ज्ञात करें, और यहाँ से कितना आएगा 9261 आएगा, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको CI दे रखा है, यहाँ से CI निकालने के लिए आप क्या करोगे, मूलधन था 8000, मिश्र धन आया 9261, तो 9261 में से क्या करोगे 8000 घटाओगे, कितना आया भाई 1261, और यही तो दे रखा था, यानी यही वो धनराशियां हैं। अगर मिश्र धन पूछा होता तो 9261 आ जाता, और मूलधन पूछा है तो 8000 आ जाएगा, आपका आंसर होगा। तो ये थे आपके CI के क्वेश्चन बच्चे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चा यहाँ पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
और अच्छे से तैयारी करते रहो बच्चे, आराम से तैयारी करो, किसी बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।